यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है, जैसे डाउ जोंस हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी आईआईटी हो गया, तो मतलब जो इंडेक्स है वो क्या कर रहा है, कौन कौन से इंडेक्स बुलिश है, कौन साइडवेज है, कौन बेयरिश है, तो इन सारी चीजों को बात करेंगे। इस वीडियो में हम किसी भी शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, तो हर सैटरडे संडे हम इस तरह एनालिसिस करेंगे हमारा मार्केट का ब्रॉडर व्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर डाउ जोंस का। आज देखिए डाउ जोंस में काफी गिरावट देखा गया है, लेकिन बात करें यहां पर जो मार्च 2020 में पैंडेमिक की गिरावट था, वहां के लो से डाउ जोंस जो अपना हाई लगाया है वो अप्रोक्स है 96% के पास। देखिए 96-95% मात्र है डाउ जोंस अप अपने मार्च 2020 के गिरावट से। अब वही बात करें निफ्टी, तो डाउ जोंस को बीट किया है और निफ्टी हमारा 131% से भी ज्यादा ऊपर गया है अपने जो पैंडेमिक में गिरावट था मार्च 2020 में उसके गिरावट से। पहले के समय में होता था यूएस मार्केट जो है हमारे इंडियन मार्केट को बीट करता था, लेकिन इस बार जो हमारा मार्केट है वो डाउ जोंस को बीट किया और हमारा मार्केट डाउ जोंस से 30% ज्यादा अप है। अब देखिए यहाँ 131% से भी ज्यादा का यह बुल रैली क्या ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है? अब यहाँ पर क्या कोई गिरावट आएगा, कोई करेक्शन आएगा? तो देखिए होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा बुल रैली नहीं है। अगर हम बात करें तो इससे भी बड़ा बुल रैली आ चुका है एक बार, जो 2003 से लेकर 2007 तक का रैली था वो इससे भी बड़ा बुल रैली था, और उस बुल रैली में हमारा जो मार्केट था वो काफी ज्यादा देख सकते हैं कि वहां पर बात करें 2003 से 2007 में अप्रोक्स 600% तक हमारा मार्केट रैली किया था वन साइडेड, बीच बीच में करेक्शन भी हुआ था। तो उसी तरह से हो सकता है यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करे और करेक्शन के बाद फिर से रैली करे। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बुल रैली था जो कि स्टार्ट हुआ था 2003 से और चला था 2008 तक, तो 2003 से 2008 चला था, तो यहाँ पर 5 साल का जो ये इंटरवल था इसमें अप्रोक्स 600% मार्केट ऊपर गया था। तो जिस तरह से यहाँ का बुल रैली था, हो सकता है इससे भी बड़ा बुल रैली हमें देखने मिले, और यहाँ पर जो बुल रैली है अगर ये हमें देखने मिलता है तो हो सकता है यहां से हम थोड़ा सा करेक्शन दिखाएं, या हो सकता है यहां से फिर से हम वापस चलते चले जाएं, या यहां पर थोड़ा करेक्शन दिखाते हैं तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है यहां का 16,000 है, तो यहां से हो सकता है हम 16,000 के आसपास आ जाएं या हम 15,200 के आसपास आ जाएं, फिर यहां से बुल रैली स्टार्ट करें। तो अगर करेक्शन होता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा थोड़ा सा स्टॉक को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदने का। तो अपना तैयारी पूरा रखिए, जैसे करेक्शन में मिलता है तो बाय कीजिए, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा। और देखिए बात करें डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स का, सबसे पहला है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी पूरी तरह से बुलिश है और इसमें अभी देखिए थोड़ा सा 2 दिन गिरावट हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि जो चार्ट है वो काफी बुलिश है, या यहाँ से हो सकता है कि साइडवेज हो और साइडवेज होने के बाद थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिले। निफ्टी आईटी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है निफ्टी कंजम्पशन। निफ्टी कंजम्पशन यहाँ पर जबरदस्त रैली देखने मिला है और अभी भी ये पूरी तरह से बुलिश है, तो निफ्टी कंजम्पशन इसमें अभी कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है ये कंटिन्यू करे या थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है। उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी, ये भी पूरी तरह से बुलिश है, तो मतलब इसमें या तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो जाए, लेकिन अभी जो तीन इंडेक्स हमने देखा निफ्टी आईटी, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी एफएमसीजी, तीनों काफी बुलिश है। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल, देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मोमेंटम देखने मिला है, क्योंकि खास करके जो हैवेल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग था जिसके कारण इसमें तेजी देखने मिल रहा है। फिर सर्विस सेक्टर, इसमें भी काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला, लेकिन सर्विस सेक्टर यहाँ पर जो टॉप आकर के थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, तो अगर यहाँ पर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो 24,100 का है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल सकता है हमें सर्विस सेक्टर में। फिर फार्मा सेक्टर, ये फार्मा सेक्टर पूरी तरह से साइडवेज है और इसका चार्ट काफी वीक भी है, देखिए लगातार जो है लोअर लो लगाने मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें वीकनेस दिख रहा है। अगर बात करें फार्मा का, देखिए फार्मा का चार्ट काफी वीक है, लगातार लो पर लो लगा रहा है और साथ ही साथ हाईर लो भी बना रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है फार्मा हमें
थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिले, तो फार्मा सेक्टर में अगर मार्केट में गिरावट आता है तो फार्मा सेक्टर में उससे ज्यादा गिरावट होगा, क्योंकि फार्मा पहले से वीक है। तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक को आप ग्रैब कर सकते हैं, जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसी को आप लीजिएगा, क्योंकि मार्केट काफी हाई पे है। उसके बाद आते हैं निफ्टी फाइनेंस। फाइनेंस भी यहाँ पर साइडवेज चल रहा है पिछले कई दिनों से, 5 से 6 दिनों से निफ्टी फाइनेंस जो है वो भी साइडवेज है। तो यहाँ पर हो सकता है या तो ऊपर ब्रेक करता है रेसिस्टेंस को, ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो बुलिश हो जाएगा, अगर नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 18,000 को तो फिर बेयरिश हो जाएंगे। उसके बाद है निफ्टी ऑटो। तो ऑटो तो सेक्टर तो काफी देख सकते हैं वीक है, यहाँ पर लगातार लोअर हाई बना रहा है, तो लगातार नए लोअर हाई बन रहे, तो निफ्टी ऑटो जो है काफी वीक है। फिर निफ्टी मेटल, तो मेटल काफी स्ट्रांग देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े मोमेंटम के बाद यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है, तो निफ्टी मेटल हमारा अभी साइडवेज है। फिर उसके बाद आता है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में भी काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला है। फिर मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में भी पिछले दिन तेजी देखने मिला, लेकिन अभी भी मीडिया सेक्टर काफी वीक है। फिर उसके बाद आता है इंफ्रा सेक्टर। इंफ्रा सेक्टर में काफी गजब तेजी देखने मिला, इस पे हमने वीडियो भी बनाया था जब इंफ्रा में ये ब्रेकआउट हुआ था, कि इंफ्रा में काफी तेजी है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से साइडवेज मोमेंटम है। अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 4,900 तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, अगर नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 4,800 तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है। फिर रियलिटी सेक्टर में भी काफी जबरदस्त तेजी, इसमें मैंने बताया था कि रियलिटी सेक्टर में जो तेजी है इसका फायदा आप ले सकते हैं, जो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक थे। फिलहाल अभी भी इंफ्रा सेक्टर और रियलिटी सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, तो इस सेक्टर को परफॉर्म करने में आप ही काफी वक्त लगेगा। उसके बाद है निफ्टी पीएसई, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसमें भी तेजी देखने मिला, लेकिन अभी भी ये बुलिश नहीं हुआ, जब तक ये 3,760 को ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है ये बुलिश नहीं हो सकता। तो अभी इसमें भी फिलहाल जो है मोमेंटम आना बाकी है, अगर ये इस लेवल को ऊपर क्रॉस कर जाता है तो फिर हम इसको में बुलिश हो सकते हैं। उसके बाद अगला है निफ्टी कमोडिटी। कमोडिटी सेक्टर देख सकते हैं, जो भी कमोडिटी के स्टॉक्स हैं अभी काफी बुलिश हैं और लगातार न्यू हाई बना रहे हैं, तो कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि काफी बुलिश हैं और कई सारे सेक्टर जो है वो साइडवेज है। तो ज्यादातर सेक्टर अभी भी जो मेजर सेक्टर है, आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, कंजप्शन हो गया, ये सारे सेक्टर काफी स्ट्रांग रूप से बुलिश हैं। उसके बाद कमोडिटी भी बुलिश है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, बैंक, ये तो पूरी तरह से बेयरिश मोमेंटम है, देखते हैं लगातार लोअर हाई बना रहा है और जो है लोअर लो बना रहा है, तो ये पूरी तरह से बेयरिश है। तो ये सारे इंडेक्स थे जो मेजर इंडेक्स है, और मेजर इंडेक्स में एफएमसीजी, आईटी, कंजम्पशन, ये सारे पूरी तरह से स्ट्रांग रूप से बुलिश हैं। तो सारे सेक्टर देखने के बाद अगर हम बात करें अब निफ्टी का, तो निफ्टी जो है हमारा वो अभी अपने टॉप के आसपास है, तो अगर यहाँ पर 17,445 को क्रॉस करता है तो हम बुलिश होंगे। फिलहाल तो डाउ जोंस काफी नीचे है, तो हो सकता है कल हम गैप डाउन ओपन हुए, गैप डाउन ओपन होते हैं अगर हम 17,260 के नीचे ट्रेड करते हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर बेरिस होंगे, तो फिर हो सकता है एक करेक्शन भी देखने मिले। ये कोई भी करेक्शन हो, गिरावट हो मार्केट में, तो उसके कोई ना कोई बहाना चाहिए। जब तक हमें कोई ना कोई रीजन यहाँ नहीं मिलता है तब तक हमें कोई बड़ी गिरावट देखने नहीं मिलेगा। फिलहाल निफ्टी काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर गिरावट की संभावना, कोई बड़ी गिरावट की संभावना काफी कम है। फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल हम पूरी तरह से बुलिश है, कोई भी गिरावट होगा उसमें बाय ऑन डिप्स करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।